अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां बीमा क्लेम को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर प्रशासन हरकत में आया और कलेक्ट्रेट में बीमा कंपनी, बैंक और जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें किसान प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान बीमा कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बैंक जिस फसल की जाँच करके प्रीमियम जमा करवाते हैं उसी आधार पर बीमा कंपनी क्लेम का निर्धारण करती है, लेकिन किसान प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने ग्वार फसल की जगह कपास का जिक्र कर हजारों का प्रीमियम काट लिया है, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो बीमा क्लेम के भुगतान में लीपापोती शुरू हो गई और ऐसे में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बैंक अधिकारियों को चेताया कि 2 दिन में किसानों की ओर से जमा करवाए गए दस्तावेज की जांच कर नोहर एसडीएम को सभी तरह के कागज दें, जांच रिपोर्ट कलेक्टर को पेश करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि किसानों को आश्वासन दिया गया है कि यदि गलत फसल का जिक्र कर प्रीमियम काटा गया है तो धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। को लेकर एक्सिस बैंक के आगे नोहर में जो पिछले 70 दिन से धरना चल रहा है, 17 दिन है उसके धरने का, उसके संबंध में पहले भी मीटिंग हो गई और कमिश्नर साहब के पास में भी इसका निर्णय चुकी हो चुका है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा हमारे को जो इनपुट उपलब्ध करवाए गए और उसके साथ में इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि और बैंक के प्रतिनिधि के साथ जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज एक निर्देशानुसार एक मीटिंग अभी आयोजित की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि बैंक यदि उनको किसानों द्वारा किसी भी प्रकार की फसल चेंज के संबंध में कोई रिक्वेस्ट दी गई थी तो उनके उनसे संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट प्लस जो पहली बार जो उनका किया गया था लोन के लिए उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया तो उसके मूल एप्लीकेशन के साथ में 2 दिन में मेरे पास था, नोहर में ला के सबमिट करवाएं, इसके बाद में आगे की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर महोदय। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।